हम लोग आज डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर कौन कौन आते हैं, तो इस ग्रुप में पहला एग्जाम्पल आता है आपका पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या होता है, एक फंजाई है। पक्सीनिया एक फंजाई है जो इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, और इसके कारण एक बीमारी होती है पेड़ों को। कौन सी बीमारी होती है, रस्ट डिजीज कॉज करता है। कौन सी बीमारी फैलाता है, पक्सीनिया एक फंगस से बीमारी फैलाने वाला, और जिकल होने वाली बीमारी का नाम है रस्ट डिजीज। जब भी आपने बहुत नाम सुना होगा रस्ट डिजीज का, तो रस्ट नाम की बीमारी फैलाता है ये पक्सीनिया नाम का फंजाई। और पक्सीनिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप का एक फंगस है, एक फंजाई है, ठीक है। और इस पक्सीनिया कारण कौन सी बीमारी होती है, रस्ट डिजीज होती है। किस पेड़ में होती है सबसे ज्यादा, तो गेहूं के प्लांट में। हमारे बाहर देश में तो गेहूं बहुत है ना, वीट के प्लांट्स में, तो गेहूं के पौधे में हमारी मेन फसल में से एक है, और वीट के प्लांट में रस्ट नाम की बीमारी होती है। किसकी वजह से होती है, पक्सीनिया नाम के फंगस की वजह से होती है, ठीक है। और ये फंगस की अगर खास बात है, ये फंगस हेट्रोसियस फंगस है। हेट्रोसियस फंगस का मतलब क्या होता है, HETERO, हेट्रोसियस। हेट्रोसियस फंगस का मतलब क्या होता है, इस हेट्रोसियस वर्ड का मतलब क्या है, तो हेट्रोसियस वर्ड का मतलब होता है कि ये फंगस अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। ये फंगस अपना लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट करता है, इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक होस्ट में से गुजारा नहीं होता। जैसे मच्छर का पढ़ा होगा, जैसे प्लाज्मोडियम का पढ़ा होगा आपने, प्लाज्मोडियम के दो होस्ट, एक मच्छर और एक इंसान, ह्यूमन की बॉडी और मच्छर दोनों के शरीर में अपना जीवन साइकिल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। वैसे ही पक्सीनिया हेट्रोसियस फंजाई है, दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और इसके दो होस्ट कौन कौन से हैं, तो इसका प्राइमरी होस्ट है गेहूं का पौधा, वीट। गेहूं के पौधे में प्राइमरी होस्ट कहलाएगा इसका, और सेकेंडरी होस्ट है बारबेरी का प्लांट। इसे दो होस्ट में, सेकेंडरी होस्ट हुआ तो प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट दो होस्ट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इस कारण से ये हेट्रोसियस फंजाई में आता है, कौन, पक्सीनिया। और पक्सीनिया कौन होने वाली बीमारी का नाम है रस्ट डिजीज, ठीक है। किस में होती है रस्ट डिजीज, गेहूं में होती है, तो गेहूं में होने वाली रस्ट डिजीज है, और ये दो होस्ट में कंप्लीट करता है, इसलिए इसको हेट्रोसियस फंजाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रस्ट साइकिल को पहली बार भारत के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था के सी मेहता नाम के इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार, के सी मेहता नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इसको डिस्कवर्ड किया, किसको, पक्सीनिया के लाइफ साइकिल को डिस्कवर्ड किया। और इसके ये सबसे पहले याद रखिएगा, रस्ट साइकिल के नाम से जानते हैं, पक्सीनिया के लाइफ साइकिल क्या बोलते हैं, रस्ट साइकिल के नाम से जानते हैं। तो रस्ट साइकिल पहली बार डिस्कवर किसने किया, के सी मेहता नाम के साइंटिस्ट ने रस्ट साइकिल डिस्कवर किया था। कितने होस्ट में कंप्लीट होता है, दो होस्ट में, कौन कौन सा, वीट और बारबेरी। पक्सीनिया किस ग्रुप का बन जाई है, बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, गेहूं में बीमारी फैलाता है रस्ट नाम की बीमारी। दूसरा फंजाई के बारे में बात करते हैं, ब्रैकेट फंजाई। पहला फंजाई कौन था, पक्सीनिया, अब दूसरे फंजाई से मिल लेते हैं, इसका नाम है ब्रैकेट फंजाई। नंबर टू, ब्रैकेट फंजाई की बात करें, तो ब्रैकेट फंजाई कौन सा है, किस शेप का दिखता होगा ये फंजाई, तो ब्रैकेट जैसा दिखता है, इसलिए इसको ब्रैकेट फंजाई कहा गया है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी ब्रैकेट जैसी दिखती है, देखिएगा, ब्रैकेट फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, कौन सी बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, इट लुक लाइक अ फ्रूटिंग बॉडी, लुक लाइक अ ब्रैकेट, जैसे एक ब्रैकेट लगाते हैं ये ब्रैकेट जैसी दिखती है, इसलिए इसको ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो ब्रैकेट फंजाई को ब्रैकेट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी फ्रूटिंग बॉडी ब्रैकेट जैसी दिखती है। तीसरा, पफ बॉल फंजाई, नाम से मालूम चल रहा है कैसा दिखता होगा, पफ खेलने वाला गेम जो होता है उसकी तरह बल्ब, उसकी बॉल कैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम हो गया पफ बॉल फंजाई। पफ बॉल फंजाई के बारे में जान लो, पफ बॉल फंजाई जो होता है वो पफ बॉल फंजाई के बारे में बात कर देते हैं। देखने में बड़ा साइज का होता है ये, इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो लार्ज साइज की होती है, याद रखिएगा, पफ बॉल फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है कैसी दिखती है, फ्रूटिंग बॉडी लार्ज साइज की होती है, बड़े साइज की होती है, बहुत सुंदर दिखती है, ब्यूटीफुल होती है, लार्ज साइज की होती है, बहुत सुंदर सी, अच्छी सी, प्यारी सी दिखती है,
और अगर किसी ने इतना पसंद आया और किसी ने इसकी उसकी फूटिंग बॉडी को पफ वाल की फूटिंग बॉडी के पास जाकर उसको सर हाथ से छू कर देखे, इतनी सुंदर सी चीज है, और जैसे कोई टच करेगा, टच करते ही फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी और उसके हाथ में पूरा काला काला पाउडर लग जाएगा। याद रखना, इफ टच्ड, अगर टच कर दिया किसी ने, टच मत करो, दूर से देखो बस, इफ टच्ड, किसी ने टच कर दिया तो क्या हो जाएगी, ये बस्ट हो जाएगी, और बस्ट होगी तो उससे क्या निकलेगा, ब्लैक कलर का पाउडर निकलेगा, ब्लैक कलर का पाउडर बाहर निकलेगा, पूरा हाथ गंदा हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, पफ बॉल बन जाएगी, देखने बहुत सुंदर सी बॉल दिखेगी, ब्यूटीफुल, ठीक है, बड़ी साइज की, और उस बॉल को अगर किसी ने छू दिया तो छूते ही ये फट जाती है, और फटती तो काला काला रंग का एक पाउडर रिलीज करती है, ब्लैक कलर का पाउडर रिलीज करती है, पफ बॉल बन जाएगी। चौथे फंजाई से मिल लेते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ में, मशरूम। आप में से बहुत लोग खाते भी होंगे मशरूम, खाया है आप लोगों ने मशरूम किसी ने, तो मशरूम अगर आप लोग खाते हैं तो मशरूम जो है वो एक फंजाई है। किस ग्रुप का फंजाई है, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप का फंजाई है, एक फंगस है, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करता है, और मशरूम को खाते हैं लोग, कि कौन सा फंजाई है, ईडेबल फंजाई है, ईडेबल फंजाई मतलब खाने योग्य, इस फंजाई को हम लोग खाते हैं इसलिए इसे इडेबल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो मशरूम कैसा फंजाई है, इडेबल फंजाई है, लोग खाते हैं इसको। और सबसे स्वादिष्ट मशरूम का नाम बताइए, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मशरूम का नाम, मोस्ट डिलीशियस मशरूम का नाम, मोस्ट डिलीशियस मशरूम का नाम, सबसे स्वादिष्ट मशरूम कौन सा है दुनिया का, तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मशरूम की बात करें तो एगेरिकस, एगेरिकस मशरूम को दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मशरूम मानते हैं, एगेरिकस, ये एगेरिकस मशरूम जो है दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मशरूम कहते हैं। और इस मशरूम को देखोगे अगर, इस मशरूम के छाते जैसा दिखता है ऐसा, ठीक है, और इसके इस निचले वाले हिस्से में यहाँ पर छोटे छोटे गिल्स बने होते हैं, ऐसे गिल्स, जैसे मछली के गिल्स होते हैं वैसे यहाँ गिल्स पाए जाते हैं, इसलिए एगेरिकस को गिल्स फंजाई के नाम से भी जानते हैं, गिल्स फंजाई के नाम से भी जानते हैं, गिल्स फंजाई बोले या एगेरिकस बोले, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मशरूम है, सबसे स्वादिष्ट। आपको पता है मशरूम दो तरह के होते हैं, खाने वाले भी होते हैं और पॉइजनस भी होते हैं, कुछ मशरूम आपके इडेबल होते हैं और कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि अगर इतना सा भी खा लिया किसी ने तो खाते ही स्वाहा हो जाएगा, मर जाएगा इमीडिएटली, इतने जहरीले होते हैं। तो मशरूम दो तरह के होते हैं, इसलिए बिना पहचाने मशरूम मत खाना, अगर मशरूम आपका, इसीलिए हम लोग मशरूम की हजारों वैरायटी होती है लेकिन हम लोग गिन चुन के दो चार वैरायटी ही है जिसको खाते हैं, जिसको पहचानते हैं ढंग से, ठीक है। तो इडेबल मशरूम हुआ, दूसरा मशरूम कैसा होता है, पॉइजनस मशरूम होता है, जहरीला मशरूम, पॉइजनस, पॉइजनस मशरूम दूसरा तरह का मशरूम हुआ, बड़ा ही जहरीला होता है। और दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम का नाम कोई पूछे, दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम का नाम क्या है, तो एमनिटा, AMANITA, AMANITA, एमनिटा दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम है, बहुत सुंदर दिखता है देखने में, आप नेट पे फोटो डाल के देख लीजिएगा, एमनिटा का लाल कलर का बहुत सुंदर दिखता है देखने में, देखकर मन करेगा एक बार खा के देखें, लेकिन बहुत ही जहरीला मशरूम, दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम है एमनिटा मशरूम, इतना सा भी खा लोगे तो मर जाओगे, ठीक है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, एमनिटा दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम, एमनिटा, और दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मशरूम एगेरिकस। और मशरूम किस में आता है, तो मशरूम आता है बेसिडियोमाइसिटीज में। तभी तक हमको मालूम चला तीन तरह के फंगस को हम खा सकते हैं, मॉरेल, टॉफेल और मशरूम, इन तीनों फंगस को हम खा सकते हैं, खाने योग्य मशरूम है ये, फंगस है। अगले फंगस से मिलते हैं, पांचवा फंगस है स्मट फंगस, स्मट फंजाई, पांचवे फंजाई का नाम है SMUT, स्मट फंजाई पांचवा एग्जाम्पल है। और स्मट फंजाई को ऑस्ट्रिलेगो के नाम से भी जानते हैं, OSTILAGO, USTILAGO, ऑस्ट्रिलेगो फंजाई के नाम से भी जानते हैं, और उसकी वजह से स्मट नाम की बीमारी होती है, इसलिए इसको स्मट फंजाई कहते हैं, ऑस्ट्रिलेगो इसका ओरिजिनल नेम हो गया और स्मट डिजीज करता है इसलिए स्मट फंजाई। याद रखिएगा बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या क्या पढ़ा है आपको, पक्सीनिया, ब्रैकेट फंजाई, पफ वॉल फंजाई, मशरूम,
और स्मट फंजाई या ऑस्टिलिगो ये सभी के सभी कैसे फंजाई हैं, आपके बेसिडियो माइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि मशरूम किस ग्रुप का फंजाई है, तो देखिएगा बेसिडियो माइसिटीज ग्रुप का से बिलोंग करता है। स्मट नाम की बीमारी वाला फंजाई जो ऑस्टिलिगो है, ऑस्टिलिगो कौन सी बीमारी होती है, स्मट नाम की डिजीज होती है, ये भी आपका बेसिडियो माइसिटीज से बिलोंग करता है। ये सारे बेसिडियो माइसिटीज के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे खत्म कर लिए। अब लास्ट आया आपका, लास्ट क्लास आई जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको कौन कौन सा पढ़ा दिए हैं, आपको पढ़ा दिए हैं पहला, सबसे पहला पढ़ाया थे आपको फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, और अब लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज की जब बात करें हम, इस फंगस की बात करेंगे, ये उल्टा लिख गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इस ग्रुप के फंजाई की बात करें, इस फंगस को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, जो परफेक्ट ना हो उसे इम्परफेक्ट बोलते हैं। ये परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसकी सबसे खास बात है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में उन फंजाई को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है। द फंजाई हु कैन नॉट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जो फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा जिन फंजाई में, जो भी फंजाई ऐसे होंगे जो सेक्सुअल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उन सारे फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप में लाकर रख दिया गया है। चाहे वो कैसे भी दिखते हो, लेकिन अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो उनको किसमें रख दिया गया है, ड्यूटेरोमाइसिटीज पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं इसलिए इस फंजाई को क्या नाम से जानते हैं, बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम जानते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस ग्रुप के कोई भी फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, ठीक है, या अभी तक कोई साइंटिस्ट खोजे नहीं है। अगर किसी फंगस पे, इस ग्रुप के किसी भी फंजाई को हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए देख लिया या खोज डाला, कि साइंटिस्ट ने खोज लिया कि इस ग्रुप का कोई फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको उसी दिन उसी समय उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, इस क्लास से निकाल दिया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप से, और उसको या तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज जहां फिट करेगा वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में रहने का अधिकार उसी को है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो इस ग्रुप का फंजाई नहीं होगा, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, इसकी बॉडी कैसी होगी, तो जैसे सभी फंगस की होती थी, आपको बताए थे अभी तक, फाइकोमाइसिटीज को छोड़ दें तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों की बॉडी ब्रांच्ड और सेपरेट होती है। सिर्फ और सिर्फ आपका फाइकोमाइसिटीज ऐसा था जिसकी बॉडी अनब्रांच्ड कोइनोसाइटिक थी, बाकी सारे फंगस जितने भी थे एस्कोमाइसिटीज के, बेसिडियोमाइसिटीज के और ड्यूटेरोमाइसिटीज के, इन सभी फंजाई की बॉडी कैसी होती है, सेपरेट भी होगी और ब्रांच होगी, सप्ता पाया जाएगा बीच बीच में, सेपरेट एंड ब्रांच होगी। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, भैया सेक्सुअल तो कर नहीं सकते तो असेक्सुअल करना ही पड़ेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाँ होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। सिर्फ कैसा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये क्या बनाते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा और कोनिडिया के थ्रू बच्चे पैदा करेंगे। तो वो सारे फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोनिडिया बनाते हैं, तो उनको इस ग्रुप में रख दिया गया है, किस ग्रुप में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर देखो तो डिकम्पोजर है, सलाने के लिए चीजों को, कचरा फेंकते हो जो कचरा का सलाने काम करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स करते हैं, रिसाइकलिंग मदद करते हैं, डिकम्पोजर है। इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स के नाम है, नंबर एक है अल्टरनेरिया। इसके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज में अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को एक लाइन में रखेगा, जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते वही ड्यूटेरोमाइसिटीज में आते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, पहला एग्जांपल है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया एक फंजाई का नाम है और इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, अर्ली ब्लाइट डिजीज होती है, अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्राइट डिजीज, ठीक है।
और अर्ली ब्राइट डिजीज किसमें होती है, तो आलू की फसल में, पोटैटो में। तो आलू में अर्ली ब्राइट नाम की डिजीज किस वजह से होती है, अल्टरनेरिया नाम के फंगस से होती है। अल्टरनेरिया फंगस किस ग्रुप का बिलोंग करता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो आप याद रखिएगा, अल्टरनेरिया एक फंगस का नाम है और इस फंगस से बीमारी होती है किसको, आलू की फसल को। और क्या होती है आलू की फसल को, कौन सी बीमारी होती है, अर्ली ब्राइट डिजीज। ठीक है, दूसरा बात करते हैं आपका, दूसरा एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा। आपने नाम सुना होगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा भी एक फंजाई है इसी ग्रुप का, और इसकी ज्यादातर एंटीगोनास्टिक एक्टिविटी में इसका यूज होता है। एंटीगोनास्टिक एक्टिविटी मतलब अगर एक फंगस दूसरे फंगस से को मार दे, एक फंगस दूसरे फंगस को मार दे, तो उस घटना को कहते हैं एंटीगोनास्टिक एक्टिविटी। इसका यूज बहुत तरह के पैथोजेनिक फंगस को मारने के लिए करते हैं, दूसरे फंगस को मारने के लिए इस फंगस का यूज करते हैं, इस घटना को एंटीगोनास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। उसमें ट्राइकोडर्मा का बहुत सारा नाम है। तीसरा नाम आता है कोलेटोट्राइकम। तीसरा नाम में आपका एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम की बात करें हम, CHUM, कोलेटोट्राइकम की हम बात करें तो कोलेटोट्राइकम भी एक फंजाई है जो गन्ने में, गन्ना देखें, गन्ना खाएं कभी, गन्ना मान लो गन्ना है आपका सुगर केन, देखे होंगे ऐसा दिखता है, ये गन्ना है, ये गन्ना है। गन्ने के बीच बीच में कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लाल लाल लकीरें मिलती हैं गन्ने के बीच में, कभी कभी लाल लाल हो जाता है यहाँ पे गन्ना, कभी देखे हैं गन्ने में, सुगर केन में। तो ऐसा क्यों होता है, ये कोलेटोट्राइकम नाम के फंगस की वजह से होता है। कोलेटोट्राइकम नाम का फंगस वहां पर रेड रॉट डिजीज कर देता है। कौन सी बीमारी, रेड रॉट डिजीज हो गई वहां पर गन्ने को, और गन्ने में अगर रेड रॉट डिजीज आ गई तो ऐसा दिखेगा गन्ना बीच बीच में। तो रेड रॉट डिजीज किसकी वजह से होती है, कोलेटोट्राइकम नाम के फंगस की वजह से होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके ड्यूटेरियोमाइसिटिस ग्रुप के फंगस ज्यादातर खुजली करते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम करते हैं, ज्यादातर इचिंग की प्रॉब्लम आपके ड्यूटेरियोमाइसिटिस ग्रुप के फंगस की वजह से होती है। आपने ऐसे किसी ने 3 मूवी देखी हो, याद करो राजू के पापा को कौन सी बीमारी थी, खुजलाते रहते थे हर समय, उनको एक्जेमा नाम की बीमारी थी, और एक्जेमा खुजली कहते हैं, खुजली का ही बीमारी है एक्जेमा। एक्जेमा का नाम सुने हैं, ये बीमारी खुजली है, एक्जेमा हो गई। इचिंग बोलो, नॉर्मल खुजली, नॉर्मल खुजली जो होती है इचिंग, आपको प्राइवेट पार्ट में हाथ के नीचे यहाँ पर आपको अक्सर खुजली होती है, जहां पर भी फंगस रह सकता है वहां पर इचिंग होती है, मॉइस्ट प्लेस पे जहां गीला रह गई, नमी रह गई, उस जगह पर इचिंग की प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से, ड्यूटेरियोमाइसिटिस के फंगस बहुत तरह के इचिंग करते हैं। रिंग गार्ड, किसी को देखो यहाँ पर गोल गोल रिंग बन जाती है खुजली की, ऐसे ऐसे छोटी छोटी खुजली रिंग बन जाती है, और इस बीमारी को रिंग गार्ड कहते हैं, रिंग गार्ड डिजीज, रिंग गार्ड डिजीज। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप की रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म, रिंग गार्ड नहीं, रिंग वॉर्म, सॉरी रिंग गार्ड दवाई का नाम हो गया, रिंग वॉर्म बीमारी का नाम होता है, रिंग वॉर्म। ठीक है, तो रिंग वॉर्म डिजीज हो गई, एक्जेमा हो गई, इचिंग हो गई, ये सब तरह की बीमारियां किसकी वजह से होती है, एक्जेमा, इचिंग, रिंग वॉर्म, ये सब तरह की बीमारियां ड्यूटेरियोमाइसिटिस ग्रुप के फंगस की वजह से ज्यादातर होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया चारों किंगडम, पढ़ा चारों क्लास पढ़ा दिया किंगडम फंजाई का, चार क्लास में डिवाइड करके पढ़ा है आपको, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक सॉरी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में एल्गल फंजाई आएंगे, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में आपके आएंगे ऐसे फंगस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अल्टरनेटिया कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ट्राइकोडर्मा नहीं कर सकता, कोलेटोट्राइकम कभी भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस ग्रुप में मेंबर है। तो हम लोगों ने किंगडम फंजाई यहाँ पर खत्म कर लिया, पूरा किंगडम फंजाई हमारा खत्म हो गया, मोनेरा खत्म हो चुका है, प्रोटिस्टा खत्म हो चुका है, और फंजाई भी हमने यहाँ पर किंगडम फंजाई भी आपको खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में, बचे हुए दो किंगडम के बारे में। ठीक है, थैंक यू। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट लगभग खत्म होने ही वाला है अब।